ఎవరా నువ్వు? బాసురా లుచ్చ. दोस्तों आपने स्क्रीन पे वीडियो प्रीव्यू देखा होगा एंड दोस्तों वीडियो को देखा पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर ना चैनल पहले सब्सक्राइब कर दें एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको न्यू अमेजिंग नवरात्रि स्पेशल वीडियो एडिटिंग के ऊपर ट्यूटोरियल लाया हूँ एंड दोस्तों सिंपल आपको कुछ ही करना है, यहाँ पे जाके आपको अलर्ट मोशन ऐप ओपन कर लेना है। दोस्तों हमने अलर्ट मोशन ऐप ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको प्लस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 16 जैसे लाइन का जो रेट है उसको करना है। जितने सेकंड आपको रखना है वीडियो को उतने सेकंड आपको पिंज रख लेना है, बाकी कर लेना कटआउट। इसको कहते हैं 29.15 सेकंड्स। इस पर मेरे बात से पहले आपको कुछ ही करना है, आपको स्टार्ट पोजीशन पे आ जाना है। वहाँ पे आने का आपको प्लस पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद चलना है आपको इमेजिंग वीडियो। इमेजिंग वीडियो पे आने के बाद आपको व्यूअल में चले आना है। व्यूअल में आने के दोस्तों आपको अपना फोल्डर ओपन कर लेना है। ओपन करने का दोस्तों मैंने वीडियो देखो कर देते हैं पहले सिलेक्ट। सेलेक्ट करने का सबसे पहले आपको कुछ ही करना है, आपको एंड में आ जाना है। वहाँ पे आने का दोस्तों उसको वीडियो लेकर कर देते हैं ट्रिम। ट्रिम कर लेने वास्तव से पहले आपको वीडियो देखो कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना है आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में। वहाँ पे आने का सिंपली आपको आ जाना है कंटेस्ट में। कंटेस्ट में आने का सिंपली इसको कर देना से ओवरले। ओवरले करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ही करना है, आपको प्लस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना है आपको इमेजिंग वीडियो। इमेजिंग वीडियो पर आने का दोस्तों को आना है व्यूअल में। व्यूअल में आने तो अपना फोल्डर ओपन कर लेना है। ओपन करने का दोस्तों मैंने वीडियो देखो करते पहले सिलेक्ट। सेलेक्ट करने में सबसे पहले आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको लाइटिंग वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक एंड आपको करना है लाइटिंग कलर। इसको करना है आपको कॉल कलर डॉज। इसको करने सिंपल आपको एंड पोजीशन में आ जाना है। वहाँ पे आने सिंपल आपको वहाँ पे इसको कर देना है वीडियो को ट्रिम। ट्रिम कर लेने के बाद प्लस पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना है आपको इमेजिंग वीडियो। इमेजिंग वीडियो पे आने का दोस्तों को व्यूअल में आ जाना है। वहाँ पे आने का दोस्तों को अपने फोल्डर में चले आना है। फोल्डर में आने का दोस्तों को हीरो ने पिंज कर लेनी सिलेक्ट। सेट करना है सिंपल आपको कुछ ही करना है, आपको यहाँ परफेक्टली एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने सिंपल आपको ये पिंज को लेना है आपको एंड पोजिशन पे। वहाँ पे ले आने के बाद सबसे पहले आपको इमेज पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना है आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे एंड आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको प्लस पे कर देना क्लिक एंड आपको उसकी साइज थोड़ी कर लेनी डिक्रीज, यानी आपको फुल साइज ले लेना है। फुल साइज लेने का सिंपल आपको थोड़ा और आगे आ जाना है। जैसे आ जाते हैं यहाँ पे हम 3 सेकंड पे एंड की का पैसा देते हैं। पैसे करने का सिंपल आपको इसको आपको परफेक्टली यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसको कर लेते हैं यहाँ पे हम 13:10 कर लेते हैं। इसको करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ले लेना बैक। इन्हें से परफेक्टली एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1.50 सेकंड पर आपको आ जाना है। वहाँ पे आने का दोस्तों को प्लस पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना है आपको इमेजिंग वीडियो। इमेजिंग वीडियो पे आने का दोस्तों को इस नवादी टेक्स्ट पिंजो कर लेना है सिलेक्ट। सेलेक्ट करने का सबसे पहले आपको मूवमेंट टाइम पे आ जाना है एंड उसको परफेक्टली यहाँ पे साइज का इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने से मतलब आपको ये पिंजे को लेना पहले आपको एंड पोजीशन पे। वहाँ पे ले आने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे इस तरह से परफेक्टली यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने का आपको मूवमेंट टाइम पे आपको आ जाना है एंड की का पैसा रख देना है। पेस रखने का सिंपल आपको आ जाना है 3 सेकंड पे एंड की का पैसा रख देना है। पेस रखने के बाद सिंपली आपको परफेक्टली यहाँ पे और पीछे आपको आ जाना है। वहाँ पे आने से तो कोई इसको नीचे से रिस्टार्ट कर देना है आपको इस तरह से। इस तरह से परफेक्टली एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ करना है, सबसे पहले आपको वहाँ पे वापस 3 सेकंड पे आपको आ जाना है।
वहाँ पे आ जाने के बाद सबसे प्लस पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना है आपको इमेजिंग वीडियो। इमेजिंग वीडियो पे आने के दोस्तों को मार दूंगा कि पिंजी कर लेंगे पहले सिलेक्ट। सेलेक्ट करना है सबसे पहले आपको ये पिंजी को लेना आपको एंड पोजिशन पे। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे आपको आ जाना है एंड कीकअप पे सेक देना है। कीकअप पे सेकने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे 5 सेकंड पे आके कीकअप पे सेक देना है एंड आपको स्टार्ट की पे आ जाना है। वहाँ पे आने का दोस्तों परफेक्ट यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और आपको इसको नीचे से स्लाइड कर देना है। नीचे से स्टार्ट करने से मतलब आपको ये पिंजी को थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर देना है। एंड दोस्तों परफेक्ट यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको पहले प्रेस चढ़ा देना है। दोस्तों इसको अपने परफेक्ट यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एंड आपको वापस की का पेस यहाँ पे रख देना है। पेस रखने का सिंपल वापस आपको 5 सेकंड पे आ जाना है एंड एक की का पेस रख देना है। पेस रखने का सिंपल आपको स्टार्ट की पे आ जाना है एंड इसको पिंजी को नीचे से स्लाइड कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे वापस स्टार्ट की पे आ जाना है। वहाँ पे आने सिंपल को थर्ड ऑप्शन पे कर देना है क्लिक एंड कीका पे सक देना है। पेस करने का सिंपल आपको वहाँ पे 5 सेकंड पे कीका पे सांपे रख देना है एंड आपको थोड़ा इसको परफेक्ट यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ करना है, आपको ले लेना है पहले बैक। बैक आने सबसे पहले आपको वहाँ पे अपने फोल्डर आपको बीटमार्क ओपन कर लेना है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पे हिल इफेक्ट एंड माता का इफेक्ट एंड आपको टेक्स्ट पिंजे में फिर दिख जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे हिल इफेक्ट पे कर देना क्लिक एंड आपको उसका कॉपी कर लेना है। कॉपी करने बाद आपको ले लेना है बैक। बैक आने सिंपल आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने दोस्तों जो हिल की पिंजिस में आपको येलो इफेक्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने सिंपल आपको ले लेना है पहले बैक। बैक आने सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है। वहाँ पे आने दोस्तों को माता के पिंजी इफेक्ट टेक्स्ट पे कर देना क्लिक के एंड उसको कर लेना कॉपी। एंड आपको ले लेना बैक। बैक आने से मतलब आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने दोस्तों को माता की जो पिंजी है आपको यहाँ पे इसमें वाला इफेक्ट आपको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको ले लेना बैक। बैक आने सिंपल आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन वापस कर लेना है। प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है और आपको वहाँ पे टेक्स्ट पिंजी में वाला इफेक्ट आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने सिंपल आपको लेना है बैक। बैक आने सिंपल आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने का सबसे पहले आपको वहाँ पे टेक्स्ट पिंजी में आपको वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने सिंपल आपको थोड़ा आगे और आ जाना है। इसको आ जाते हैं हम 4 सेकंड पे। वहाँ पे आने आपको प्लस पे कर देना क्लिक एंड जाना आपको इमेजिंग वीडियो। इमेजिंग वीडियो पे आने का दोस्तों को व्यू वर्ल्ड में आ जाना। वहाँ पे आने का सबसे पहले आप हम अपने फोल्डर में आके हम यहाँ पे वाली पिंजी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको परफेक्टली यहाँ पे फुल जूम कर देना है एंड उसको आप परफेक्टली यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने सिंपल तो आपको ये पिंज को लेना है पहले आपको एंड पोजीशन पे। वहाँ पे लेने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे बैक ले लेना है। बैक आने का सिंपल दोस्तों हमने जो टेक्स्ट पिंज में अभी इफेक्ट ऐड किया था उसको कर लेना पहले यहाँ से कॉपी एंड आपको यही इफेक्ट में टेक्स्ट पिंज में आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको प्लस वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। इन देखिए दोस्तों कुछ हमारे टाइप की नवरात्रि स्पेशल वीडियो एडिटिंग हो चुकी है। इन दोस्तों अब इस तरह के वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अपने चैनल के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर ना चैनल पर सब्सक्राइब करें, आपको उस तरह डेली वीडियो देखने को मिलती रहे। जय हिंद।